हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। थोड़े दिन पहले मैंने ब्लैक जैक ओनली मीटिंग के चैलेंज वीडियो डाला हुआ था और मैंने फिर सोचा कि व्हाइट जैक फिर पीछे क्यों रहे, तो आज मैं आपके लिए व्हाइट जैक ओनली मीटिंग के चैलेंज वीडियो लेके आ चुका हूँ, जिसमें हम न्यूट्रल और इम्पोस्टर को गेस लेने वाले हैं। रोल्स की बात करें तो इम्पोस्टर में स्पाई और स्नाइपर है और न्यूट्रल में ग्लूटोनी और जोकर आया हुआ है। अरे अरे अरे, स्नाइपर का मार्क आ गया भाई। अगर स्नाइपर का मार्क आता है तो भाई साथ साथ घूमते रहो चिपक के, ताकि वो किसी और को मार दे और आप बच जाए। इतने में ब्लू मीटिंग बुला देता है। अब देखो, मेरे साथ ना ब्लू और रेड थे, तो वो दोनों स्नाइपर नहीं हो सकते। व्हाइट अपना बॉडी घसीट के ले जा रहा था, तो व्हाइट अपना डॉक्टर है। वो मिसिंग मिसिंग हत्या मिसिंग, ये क्या लिखे बे? मिसिंग मिसिंग इस मिसिंग वो मिसिंग। अरे सुनो भाई, मैं बॉडी ले जा रहा था, ब्लू ने देखा, ब्लू ने मीटिंग बुला दी भाई मीटिंग रूम से। भाई मतलब क्या समझूं मैं? अरे भाई मैं मतलब क्या समझूं, तुम ही लोग बोलो। ग्रीन को ही पता है मैं बॉडी लेके गया था। अरे यार ये ब्लू को निकालो, ब्लू को चुपचाप निकालो, ब्लू को। अरे भाई चुपचाप निकालो भाई ब्लू को, ये जोकर वोकर जो भी हो, ठीक है ना, व्हाइट जैक इसको जोकर भी गैस ले ले, ठीक है ना, इसको निकालो भाई, ब्लू को निकालो। मेरा सामने बॉडी देख के रिपोर्ट किया साला। तो यहाँ पे मेरे पे माइक आता है और सबसे पहले तो चैट में रेड शुरू हो जाता है कि वोट चयन मेरे साथ होते ही मेरे पे वोट डालने की ट्राई कर रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पे मैं सबकी लोकेशन पूछ रहा था कि सब लोग अपनी लोकेशन ड्रॉप करो। स्नाइपर का मार्क अपना इलेक्ट्रिक में से आया होगा और अपना ऑरेंज बॉट बन चुका है, तो ऑरेंज यहाँ पे सेफ है और व्हाइट भी सेफ है, वो डॉक्टर है। और ब्लू और रेड मेरे साथ थे, तो वो भी स्नाइपर नहीं है, तो ग्रीन ब्राउन और येलो में से एक स्नाइपर होगा। और चैट में अपने येलो की लोकेशन देखी तो वो मेडवे के बाहर था, तो वो भी सेफ हो चुका है स्नाइपर में। अब ब्राउन और ग्रीन में से एक स्नाइपर होगा। और अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं स्टोरेज में था तब ना ग्रीन गया था इलेक्ट्रिक की तरफ, तो ग्रीन अपना स्नाइपर है, वो मेरे को पता चल गया था। तो यहाँ पे मैं अपना रोल ड्रॉप कर देता हूँ सबसे पहले कि मैं व्हाइट जैक हूँ। अरे इसको जोकर गैस ले लो वायरस भाई। तो ये गया अपना स्नाइपर और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी टाइप करने लगता हूँ कि स्नाइपर गया है, क्योंकि जल्दी जल्दी वोटिंग टाइम हो जाएगा तो फिर मेरा मैसेज सेंड नहीं होगा। तो यहाँ पे मीटिंग में सब लोग ब्लू पे बोल रहे थे और ब्लू अपना स्वैपर निकला और ब्लू ने स्वैप किया सीधा ब्राउन पे। मैंने तो यहाँ पे स्किप ही किया था, क्योंकि जोकर है गेम में, रिस्क नहीं लेना। तो यहाँ पे ब्राउन मीटिंग में निकल जाता है और वो हमारा स्पेस क्रू होता है, और स्पेस क्रू के ब्राउन ने रोल ड्रॉप नहीं किया है। अच्छी बात है ब्राउन निकल गया, ऐसे स्पेस क्रू की हमें कोई ज़रूरत नहीं है जो कभी स्पेस क्रू होकर रोल ड्रॉप ना करें। तो यहाँ पे फिर से गेम स्टार्ट होती है और यहाँ पे इम्पोस्टर अब स्पाई बचा होगा, ग्लूटोनी बचा होगा और जोकर बचा हुआ है। और यहाँ पे मैं थम्स अप दिखा रहा हूँ वाइट को, क्योंकि वाइट डॉक्टर है तो वाइट के साथ रहूँगा। इतने में ब्लू मीटिंग बुला लेता है। अरे क्या भाई, ब्लू स्वैपर है तो लिखना अपना रोल, अपना रोल लिखना स्वैपर। और नूबड़ा पंछी क्या करता है भाई, स्वैपर तो मतलब तेरे को वोट नहीं करेंगे। नहीं नहीं रोल क्या पता चला, तूने उसको निकाल दिया नॉर्मल बंदे को। भाई अपने अपने रोल ड्रॉप करो भाई, मैं तो डॉक्टर हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता। जल्दी जल्दी बोलो भाई, स्नान बॉडी के आसपास घूम रहा था, स्नान अपना रोल बोल, स्नान अपना रोल बोल, तू बॉडी के आसपास घूम रहा था। तो यहाँ पे मेरे पे माइक आता है और मैं बोलता हूँ कि कोई बात नहीं वाइट, ब्राउन ने अपना रोल ड्रॉप नहीं किया था, तो ऐसे स्पेस क्रू को निकल जाना ही बेटर है। तो ब्लू पे मत बोलो, ब्लू अपना स्वैपर है, अभी स्किप करो। अरे मैं नहीं हूँ तो। अरे भाई मैं वोट कर रहा हूँ यार, किसको, रेड को वोट कर दे क्या? अरे ये रोल ही नहीं बोल रहे भाई, ये रेड तो ये येलो और ये ऑरेंज। तो यहाँ पे है ना, मैं रेड को जोकर लेने वाला हूँ, ये मैसेज मैंने सेंड कर दिया था टाइप करके, और टाइमिंग बहुत ही कम थी इसलिए यहाँ पे मैं उसको गेस नहीं ले पाया। तो यहाँ पे रेड ने खुद पे वोट डाल लिया है, मतलब रेड अपना जोकर ही है, यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। अब मैं उसको नेक्स्ट मीटिंग में बुला के उसको गेस मारूंगा। ये मीटिंग में बहुत बोल रहा था रेड और बहुत ही प्रॉब्लम दे रहा था। तो यहाँ पे फिर से गेम स्टार्ट होती है, इम्पोस्टर यहाँ पे कैफे का गेट क्लोज नहीं करता, तो मैं जाता हूँ इलेक्ट्रिक की तरफ, और इतने में इम्पोस्टर सेबोटास भी नहीं देता, तो मैं मीटिंग के पास ही रुकता हूँ, क्योंकि अब मैं मीटिंग बुला के ना रेड को मारने वाला हूँ।
तो यहाँ पे तो मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि रेड अब तेरे को कौन बचाएगा मेरे से। तो बहुत प्रॉब्लम दे रहा था, बहुत बोल रहा था, अब मैं तेरे को मीटिंग में निकालने वाला हूँ, तेरे को जोकर गेस लेके अभी तेरे को इसी गेम से बाहर लॉबी में पहुँचाने वाला हूँ। तो कोई आखिरी वॉइस है तो बोल ले रेड। अरे भाई मेरे को भाई गेम देखना है भाई, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम बोलो कि उसको होल्ड कर दो भाई, मेरे को गेम खेलते हुए देखना यार। तू तो गया बेटे, मत कर, उसको बोलो उसको होल्ड कर दो। गैस ले भाई, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए जो कर। हाँ वाह, अगर वाइट जैक मर गया तो भी ओपी, अगर वाइट जैक जिंदा है रहा तो भी ओपी, ठीक है ना। ये क्या बात करता है यार। अरे गजब गजब, ऑरेंज को कर दो, अब तो जोकर रहा नहीं तो ऑरेंज को कर दो। अब यहाँ पे मीटिंग में डिस्कस हुआ था कि ऑरेंज को वोट आउट करेंगे और जोकर तो है नहीं, तो अभी कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे स्वैपर ने अपना कमाल दिखा दिया, सीधा स्वैप मार के येलो पे स्वैप डाल लिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि येलो का रोल क्या है, तो येलो हमारा इंपोस्टर है। तो दोनों इंपोस्टर यहाँ पे निकल चुके हैं, अब ग्लूटो नहीं बचा होगा तो गेम चलेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे गेम खत्म हो चुका है, यानी ग्लूटोनी को इंपोस्टर ने मार दिया होगा। तो यहाँ पे आप सभी का रोल भी चेक कर सकते हैं, चलो दूसरे गेम में चलते हैं। तो यहाँ पे रोल्स की बात करें तो सर्वाइवल, बैकस्टेबर, डिमेंटर और जेनिटर। तो न्यूट्रल रोल बहुत ही अच्छा आया है इंपोस्टर के लिए, बहुत ही यहाँ पे अच्छा होगा। और यहाँ पे मैं सब पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कौन किधर जा रहा है। तो यहाँ पे जेनिटर है तो डबल किल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे मैं भागता हूँ सीसीटीवी रूम की तरफ, ताकि मैं अच्छे से पता लग पाऊँ कि कौन साथ में घूम रहे हैं और कौन किधर जा रहा है। तो जैसे मैं सिक्योरिटी में पहुँचा, इतने में वेंट ओपन हुई तो ब्लू वहाँ से निकला, तो मैं भाग गया कि ब्लू इंपोस्टर हो सकता है। फिर देखा कि इंजीनियर आया हुआ है, तो मैं फिर से मुड़ के चला गया सीसीटीवी रूम में, और वहाँ पे ब्लू खड़ा था, कैम्प्स देख रहा था और कंटिन्यू देख रहा था। तो मैं ब्लू के साथ ही वहाँ पे अब कैम्प्स देखने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं ब्लू को थम्स अप दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं और ब्लू सीसीटीवी कैम्स देख रहे थे, और इतने मैंने वहाँ पे ब्राउन ने वेंट कर लिया है। तो अब ब्राउन या तो इंपोस्टर होगा या इंजीनियर होगा। तो यहाँ पे येलो सीटा आके हम दोनों पे चिपक जाता है, तो मैं और यहाँ पे ब्लू दोनों बाहर आ जाते हैं। इतने में यहाँ पे इंपोस्टर ऑटो का सबोटास दे देता है और ब्लू वहाँ पे वेंट पे चला जाता है। तो मैं फिर से सीसीटीवी रूम में कैम्स देखने लगता हूँ, और इतने में येलो फिर से मुड़ के आता है, तो मैं उस पर यहाँ पे स्क्विड एस जेमी फेंक देता हूँ, जिससे येलो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पे येलो ना बार बार सीसीटीवी रूम में आ रहा था, तो मेरे को इतना आइडिया लग गया था या तो ये इंपोस्टर होगा या न्यूट्रल होगा, इसलिए यहाँ पे घूम रहा है। तो जैसे ही ब्लू वहाँ से भाग गया, तो मैं भी यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे अकेला हूँ और अकेले में रिस्क नहीं लेना चाहिए, वो मेरे को वहाँ पे काट के फेंक के चला भी जा सकता है। देखने में ब्लू ने मीटिंग बुला ली है, तो चलो देखते हैं भाई कितने बंदे मर चुके हैं। भाई दो बंदे मर चुके हैं, दो टपक से भाई, शाम तो बिल्कुल सेफ है, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने फिक्स करा है, ठीक है ना, वेंट भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं मेरे पे माइक आता है, और मैंने चैट में पहले बोला था कि ब्राउन तेरा रोल क्या है, और यहाँ पे ब्राउन अपना रोल ड्रॉप नहीं कर रहा था, तो मेरे को आइडिया आ गया होगा कि ये इंपोस्टर ही है। मेरे को पहले ये ब्राउन गए ऐसी तैसी, पहले मेरे को ये बोलो कि सेरेफोन है, पहले सेरेफोन है ये बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास। क्या बोला तूने? कुछ भी। तो यहाँ पे मैंने मैसेज में टाइप कर दिया था कि मैं ब्राउन को डिमेंटर ले रहा हूँ और अपना रोल भी ड्रॉप कर रहा हूँ वाइट चेक। तो ये गया डिमेंटर, अपना जो ब्राउन था वो डिमेंटर था, उसको मैंने गेस किया। अरे वाह भाई, वाइट जैक ने अपना काम कर दिया, धन्यवाद। तो वहाँ पे वोट आउट स्किप हुए थे, अब जेनिटर बचा हुआ है, और ऐसे ही हम किसी को निकाल नहीं सकते बिना रीजन के, इसीलिए यहाँ पे हम निकालते नहीं है। और वैसे भी सर्वाइवर और बैकस्टेबर है, तो जितने बंदे कम करेंगे इंपोस्टर को उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे इंपोस्टर ऑटो का सैबोटेज दे देता है, और ब्लू यहाँ पे ठीक कर रहा है, तो मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ। तो जैसे सेबोटास फिक्स होता है, इतने में ऑरेंज मीटिंग बुला देता है, और ऑरेंज अपना हैकर है, तो चलो देखते हैं वो मीटिंग में क्या बोलने वाला है। चलो भाई, वाइट जैक जिसे भी, जो भी वाइट जैक है, और वाइट जैक को अगर एमवीपी बनना है तो पर्पल को गैस ले लो जेनेटर, ठीक है,
ले लो अभी व्हाइट को वोट कर दो, ठीक है? जो भी व्हाइट या क्या एमवीपी बनना है तो पर्पल को जनरेटर गेस ले लो, आई एम हैकर। ओके, वो जनरेटर ही लेना। तो ये गया पर्पल अपना जेनेटर और यहाँ पे गेम खत्म हो जाती है। स्पेस क्रू, सर्वाइवल और बैकस्टेबल तीनों यहाँ पे गेम जीत जाते हैं और इम्पोस्टर यहाँ पे गेम हार जाते हैं। यहाँ पे आप सभी का रोल भी चेक कर सकते हैं। और रुको गाइस, अभी मेरे पास तीसरी गेम भी है तो वो भी हम देखेंगे। तो ये तीसरी गेम है, यहाँ पे रोल चेक करें। अरे मैंने रोल ही नहीं चेक किया, कोई बात नहीं, यहाँ पे एडमिन का टास्क है इसलिए यहाँ पे मैं भाग गया होगा वहाँ पे। और यहाँ पे अब देखो मैंने रोल देखे हैं तो हिप्नोटिस्ट है, जोकर है, फ्लैश बैंक है और स्नाइपर आया हुआ है। और यहाँ पे मैं कार्ड स्वाइप कर रहा हूँ और मेरे साथ यहाँ पे कौन कौन है, येल्लो है, सियान है। तो यहाँ पे लाइट भी तुरंत फिक्स हो चुकी है, यानी ग्रीन्स ने अपना काम कर दिया होगा और कन्फ्यूजन का काम भी उसने कर दिया होगा इम्पोस्टर में, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक में देखो यहाँ पे कोई किल नहीं होता, वरना एक दो किल तो यहाँ पे हो ही जाते। और यहाँ पे मैं सब पे ऑब्जर्व करने वाला हूँ, नज़र रखने वाला हूँ कि कौन किधर जा रहा है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही एडमिन में पहुँचा तो यहाँ पे येलो की बॉडी कटी हुई थी और यहाँ पे ब्लू और यहाँ पे सियान खड़े थे। सियान यहाँ पे इमोजी दिखा रहा था तो यहाँ पे मैं उसको स्पीड एस फेंक देता हूँ और यहाँ से भाग जाता हूँ शील्ड की तरफ। और शील्ड में भी एक की बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है ऑरेंज की। तो थोड़े टाइम के बाद ना यहाँ पे ब्लू मीटिंग बुला देता है। तो चलो देखते हैं कितने बंदे मर चुके हैं। तो दो ही बंदे मरे हुए हैं, दोनों की बॉडी हमने देखी है, येलो की एडमिन में और ऑरेंज की अपनी शील्ड में। भाई जैक जो भी है ना, रेड को ना जोकर गेस कर दो। तो यहाँ पे ब्राउन ने जोकर बोला था तो मैंने यहाँ पे तुरंत ही रेड को गेस ले लिया जोकर। और यहाँ पे वो सब लोग बोल रहे थे कि सियान को वोट करो तो मैंने भी बोल दिया यहाँ पे कि सियान को वोट करो, क्योंकि सियान और ब्लू दोनों ही वहाँ पे एडमिन बैठे और शायद से ब्लू ने देखा होगा कि सियान ने मारा होगा, इसलिए यहाँ पे ब्लू बोल रहा है कि सियान को करो। तो यहाँ पे हम लोगों ने सियान को कर दिया और जोकर निकल चुका है। तो यहाँ पे जोकर की अब टेंशन खत्म हो चुकी है। ओके, तो सियान हमारा इम्पोस्टर है और यहाँ पे जीरो इम्पोस्टर रिमेनिंग, यानी दूसरा इम्पोस्टर अपना ऑरेंज होगा। वहाँ पे ऑरेंज की बॉडी जो शील्ड में कटी हुई थी वो शायद से हिप्नोटिस्ट ने उसको मार दिया होगा और सियान ने येल्लो को मारा था जो ब्लू ने देख लिया था। तो येल्लो अपना इम्पोस्टर नहीं हो सकता, तो जो दूसरा इम्पोस्टर है वो 100% ऑरेंज ही होगा। अब गेम में हिप्नोटिस्ट बचा हुआ है तो यहाँ पे मैं सब पे नज़र रख रहा हूँ कि कौन किधर जा रहा है और कौन कौन साथ घूम रहा है। इतने में इम्पोस्टर यहाँ पे रिएक्टर बुला देता है, यानी इम्पोस्टर अभी भी गेम देख रहे हैं। तो यहाँ पे रिएक्टर हम लोगों ने ठीक कर दिया तो इम्पोस्टर यहाँ पे गेट भी क्लोज कर रहा है, मतलब इम्पोस्टर यहाँ पे पूरी मैच देख रहा है, उसको यहाँ पे सैबोटास देके यहाँ पे गेम जीतने की अभी भी उम्मीद है। और यहाँ पे मैं और ब्लू निकल जाते हैं। और इतने में पर्पल की डेड बॉडी रिपोर्ट हो जाती है। अब देखो जोकर निकल चुका है, दोनों इम्पोस्टर निकल चुके हैं तो हिप्नोटिस्ट ही बचा होगा और ये हिप्नोटिस्ट का ही किल है क्योंकि 35 सेकंड हो चुके हैं। तो यहाँ पे पिंक ने सीधा माइंड स्किप कर दिया, तो ब्लू ने भी किया तो मैंने भी कर दिया। और यहाँ पे मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि चलो रोल ड्रॉप करो और जो भी यहाँ पे शेरिफ बोलेगा मैं उसको यहाँ पे हिप्नो गेस दूंगा क्योंकि वही हिप्नोटिस्ट होगा। तो यहाँ पे ग्रीन ने शेरिफ बोला था तो मैंने यहाँ पे उसको हिप्नो गैस लेके निकाल दिया। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि पिंक को वोट कर दो क्योंकि ग्रीन और पिंक दोनों एडमिन में साथ खड़े थे, तो उसका मिनियन या तो पिंक होगा या पिंक हिप्नोटिस्ट होगा और उसका मिनियन ग्रीन होगा। और यहाँ पे ब्राउन बोल रहा था कि कौन व्हाइट जैक है, तो यहाँ पे मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कि मैं ही व्हाइट जैक हूँ और ब्लू अपना सामुराई है और पिंक अपना हिप्नोटिस्ट होगा या उसका मिनियन होगा। और यहाँ पे हमने पिंक को वोट आउट करके निकाल दिया, तो बोला था यहाँ पे पिंक ही होगा। तो यहाँ पे गेम खत्म हो जाएगी और स्पेस क्रू यहाँ पे गेम जीत चुके हैं। तो आई होप गाइस आपको ये व्हाइट जैक की गेम प्ले पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करो अपने दोस्तों को और चैनल पे जितने भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे आप सभी का रोल भी चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या एंड बाय बाय। We will not fear the puny imposter.